दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में यह सवाल आता है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, आखिर हमारे जीवन का मकसद क्या है। हम इन सवालों को जानना चाहते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि इतनी बड़ी इस दुनिया में हम अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं या पहचान बनाना चाहते हैं। राजा सुलेमान भी, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, व्यक्तिगत, बौद्धिक और दार्शनिक स्तर पर भी इन सवालों और चिंताओं से जूझते थे, और इसीलिए उन्होंने इस संसार के लोगों के लिए कुछ चेतावनियां दी थी अपने जीवन के अनुभव के द्वारा, जो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, सुलेमान द्वारा लिखी गई अधिकांश सवोपदेशक उनके भटकने और लक्ष्यहीन भटकने के परिणाम के स्वरूप में लिखे हुए हैं। आज के समय लोग यही सोचते हैं कि वास्तव में कुछ जानने के लिए आपको उसका अनुभव करना होगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत विचार है। जरा सोचिए कि बिजली पता करने के लिए क्या आपको बिजली की तार को छूना जरूरी है? नहीं ना, हम इसको अपनी आसपास की परिस्थितियों के द्वारा भी जान सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि इस दुनिया की चीज़ें हमें संतुष्ट करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। सुलेमान ने लिखा सवोपदेशक 1:13-18 में, और मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं, और यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जितनी वस्तुओं में घटी है वे गिनी नहीं जाती। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूँ और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूँ। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। दोस्तों, इतना करने के बाद भी सुलेमान एक ही निष्कर्ष बताते हैं कि यह सब व्यर्थ है। अपनी खोज के बावजूद उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की चिंताजनक गतिविधियों से कुछ भी खास हासिल नहीं होता है। इस पुस्तक को पढ़ने पर पता चलता है कि सुलेमान अपनी व्यक्तिगत गवाही प्रदान कर रहे हैं, जिसमें वह हमें सुख विलास, जीवन का अर्थ और जीवन का उद्देश्य की तलाश में अपने अनुभव के माध्यम से अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं। शुरुआत के कुछ लाइनों में लिखा है, और मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। सुलेमान के इस बात का तर्क यही है कि जीवन का कोई महत्व नहीं है अगर इसे परमेश्वर से अलग होकर जिया जाए, क्योंकि सवोपदेशक की पूरी पुस्तक में सुलेमान एक ही बात पर वापस आ जाते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। हमें भी सुलेमान की सलाह मानकर व्यर्थ के आनंदमय जीवन से दूर रहना चाहिए। आज के समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम निरंतर किसी ऐसी खोज की तलाश में रहते हैं जो हमारे जीवन को ज़्यादा परिपूर्ण और ज़्यादा सार्थक बनाए, लेकिन सच तो ये है कि इस उद्देश्यों को पूरा करने के बाद भी जो प्राप्त होता है उसका महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, और फिर उसके तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं। हम फिर उसी दौड़ में लग जाते हैं और ऐसी चीज़ की खोज में लग जाते हैं कि शायद वह हमें संतुष्ट कर सके। सुलेमान हमें व्यर्थता में अपना जीवन बर्बाद करने के खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। व्यर्थ शब्द का उपयोग उन्होंने बार बार किया है और उसे वायु के जैसा बताया है। जिस तरह से वायु हमारे हाथों में पकड़ा नहीं जा सकता है, वैसे ही इस दुनिया की चीज़ें धन दौलत सुख विलास भी है, हम जितना भी कोशिश कर ले ये हमारे पास हमेशा नहीं रहने वाली है। सुलेमान बताते हैं, मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसीलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है, इसीलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। अय्यूब ने भी इस व्यर्थ शब्द का इस्तेमाल किया था जब वह अपने जीवन के परेशानियों से विलाप कर रहा था, लेकिन सुलेमान बाइबल में सबसे ज़्यादा इस शब्द का उपयोग किया है।
वह इस बात को बताना चाहते हैं कि सारा जीवन व्यर्थ है जब तक कि कोई यह न पहचान ले कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और उसी के अनुसार सब होता है। लिखा है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के बिना कौन खा पी और आनंद मना सकता है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। दोस्तों, कई बार तो हमें इस बारे में पूरी तरह से जानकारी भी नहीं होती कि हम वास्तव में किस चीज़ की तलाश में हैं। ज़्यादा धन दौलत, ज़्यादा फेमस और ज़्यादा ज्ञान चाहते हैं, जबकि उसे पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। सुलेमान लिखते हैं, तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी, फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ। और मैंने मन में कहा, यह भी व्यर्थ ही है। यदि सुलेमान अपने पिता दाऊद के जीवन पर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो वह जान पाते कि परमेश्वर के साथ का जीवन के अलावा इस पृथ्वी पर कोई आनंद नहीं है। वह अपने पिता दाऊद के उदाहरण का पालन करके अपने जीवन को सफल बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करने के वजह से ही वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं हो पाए। और इसीलिए उन्होंने एक किताब में अपनी अनुभव को लिखने का निर्णय लिया, जिसमें वे अनिवार्य रूप से उस किताब को पढ़ने वालों से आग्रह करते हैं कि जो मैंने गलती की है वह मेरे अपने दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों से सीखी है, इसीलिए मेरे इस गलती को अपने जीवन में नहीं दोहराए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर सके, क्योंकि जो चीज़ें हम पाते हैं वह कभी भी हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। लेकिन यह सब हमारे लिए परमेश्वर की योजना नहीं है, बल्कि जो योजना है वह बाकी सब चीज़ों से बहुत ऊपर और हमारे इंसानी मन के सोचने से बढ़कर है। इंसानी मन के लिए यह सोचना बहुत कठिन है कि कल क्या होगा, और इसीलिए हमें बस परमेश्वर के सलाह पर अपना जीवन बिताना चाहिए। एक समय था जब सुलेमान का स्वर्ग के परमेश्वर के साथ बहुत ही निकट और महत्वपूर्ण रिश्ता था, लेकिन उसने उस रिश्ते को तोड़ दिया और सांसारिक दृष्टिकोण से अपना जीवन बिताया। उसने सर्वोपदेशक की किताब हमें यह दिखाने के लिए लिखी है कि कैसे एक भटका हुआ विश्वासी परमेश्वर के पास वापस आ सकता है और एक बार फिर से परमेश्वर की बातों का आनंद ले सकता है। सुलेमान यह भी बताते हैं कि प्रत्येक बात के लिए समय निर्धारित है। जन्म देने का समय है तो मरने का भी समय है, रोपने का समय है तो रोपे हुए को उखाड़ने का भी समय है, और अगर रोने का समय है तो हंसने का भी समय है। आखिरी में सुलेमान लिखते हैं, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सर्वोपदेशक 12:13-14 में। दोस्तों, सुलेमान के जीवन के इस अनुभव से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें अपनी सुख विलास के लिए अधिक इच्छा रखने के बजाय अपनी परिश्रम से पाए गए चीज़ों से खुश रहे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। दोस्तों, आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह।